हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे दारा सुको के बारे में, जो कि साजा का सबसे बड़ा पुत्र है। तो साजा के कितने पुत्र थे? चार पुत्र थे, दारा, सुजा, मुराद और औरंगजेब। तो आज जो हम चर्चा करेंगे दारा सुको के बारे में। तो ये जो दारा सुको था, ये धर्म सहिष्णु एवं कला प्रेमी था, और इसकी जो मृत्यु हुई थी, ये औरंगजेब के द्वारा इसकी मृत्यु जो कराई गई थी, 1669 ईस्वी में इसकी मृत्यु कराई गई थी उत्तराधिकारी के युद्ध में। तो जिससे कि चारों भाइयों में युद्ध हो रहा था कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन सबसे बड़ा यही था, तो उत्तराधिकारी यही बनाया जाता, तो औरंगजेब ने इसकी मृत्यु कर दी। तो ये जो था दारा सुको जो था, ये इसने अपने कला प्रेम के बारे में अपनी ही कला प्रेम के बारे में इसने जो है अपनी पत्नी नादरा बेगम को बताया, जिसमें एक चित्रकला में एक एल्बम है जिसमें 40 चित्र हैं। तो ये जो 40 चित्र हैं, उनमें से कुछ प्रमुख चित्र हैं, जैसे कि दो बतख के चित्र हैं, उसी में साहस शुजा की नाइट हीरोइन का चित्र है, इसी में आप देखेंगे एक और चित्र है जिसमें कुछ शासकों की महफिल का इसमें एक चित्र है। तो ये जो है, ये जो एल्बम है 40 चित्रों में से, ये प्रमुख चित्र है ये। तो इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालिए आप दारा सिको। जो शाहजहां के चार पुत्र हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो है औरंगजेब और दारा सुको के बारे में पूछा जाता है। देखिए, शाहजहां के चार पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र दारा सिको धर्म सहिष्णु एवं कला प्रेमी था, परंतु उत्तराधिकार के युद्ध में सन 1669 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा मृत्यु करा दी जाती है। 1669 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा मृत्यु करा दी जाती है। किसके द्वारा करा दी जाती है? औरंगजेब के द्वारा। यहीं पे आप देखेंगे दारा सिको के कला प्रेम का पता, लिखिए दारा सिकोह के कला प्रेम का पता उसके द्वारा उसकी पत्नी नादिरा बेगम को दिया गया। यही लिखेंगे आप, चित्रकला में एक एल्बम है जो कि जिसमें 40 चित्र हैं, जो कि वर्तमान में इंडिया हाउस लंदन में संग्रहित है। ठीक है, यहीं पर आप देखेंगे कि एल्बम में प्रमुख रूप से दो बतख का चित्र, यहीं देखेंगे शाह सुजा की नाइट हीरोइन का चित्र,
नाइट हीरोइन का चित्र। इसी में है कुछ शासकों की महफिल का चित्र। कुछ शासकों की महफिल का चित्र आदि। इसी में देखेंगे, इसी के द्वारा बना अन्य चित्र दारा सिकोह घुड़सवार के रूप में, घुड़सवार के रूप में, जो कि यह चित्र, जो कि यह चित्र भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है। ठीक है, इसी में आप देखेंगे दारा सुकोह ने उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता का जो है फारसी भाषा में अनुवाद भी कराया। तो आप देखिए, इसे हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पे आप इसे नोट कर लीजिए कि दारा सुकोह ने क्या क्या फारसी भाषा में अनुवाद कराया, उसे नोट करेंगे। देखिए, दारा सिको ने उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। तो ये हो गया दारा सिको के बारे में। तो इस क्लास में हम आपको, जो आज हम आपको बताए हैं इसमें दारा सिको के बारे में, इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो आप बताएंगे दारा सिको। यही भी पूछ लिया जाएगा, दारा सिको की मृत्यु किस कारण से की गई थी, उत्तराधिकार के कारण, उत्तराधिकार के युद्ध में उसकी मृत्यु की गई थी। कब की गई थी, 1669 ईस्वी में। पूछा जाता है किसके द्वारा की गई थी, तो औरंगजेब के द्वारा इसकी मृत्यु की गई थी। दारा सिको की पत्नी का क्या नाम है, नादरा बेगम। ठीक है, और उसी के जो एल्बम है उसमें कौन कौन से प्रमुख चित्र हैं, तो ऐसे इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो यही क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे, जो कि दारा सिको का आज हमारा क्लास था, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए, अगली क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे औरंगजेब के बारे में, कुछ मुगल काल का महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे, जो कि जिसमें बहुत ही, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपकी। तो चलिए, आज के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।